हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू पीपल आर वेरी वेल। सो गाइस, मैं अभी जस्ट ड्यूटी से आ रहा हूँ, तो बहुत दुखद खबर है। दुखद खबर क्या बोलो कि कुवैत में अभी ना आप लोग आने के सोच रहे हो तो आओ मत। सब चीज़ छोड़ के घर पे जो आप काम करना चाहते हो वो काम करो, क्योंकि अभी जो देख रहा हूँ कुवैत का हाल ना, सच में कुवैत आना बहुत मुश्किल हो गया। बिकॉज ये चीज़ क्या हो रहा है कि अभी जॉब के मामले में ना बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज़्यादा, जितना आप सोच नहीं सकते हो। सोच सकते हो, अपनी कंपनी से आदमी निकल रहा है, मतलब $12 बिलियन का टर्नओवर का कंपनी, वहाँ से आदमी को भगा रहा है, मतलब लेआउट कर रहा है। सो ऑलरेडी पहले टर्मिनेट किया बंदे लोग को, फिर अभी टर्मिनेट शुरू हो गया। अभी जनवरी फरवरी तक टर्मिनेट शुरू, मतलब चलते रहेगा। आज जैसे दो बंदे को टर्मिनेट किया। सो ये टर्मिनेट होने के पीछे का कारण क्या है? देखो, काम तो अच्छा करता है सब कोई। अभी फॉर एग्जांपल मेरा नाम आ गया तो मैं भी तो काम ही करता हूँ, यहाँ पे तो बैठा हुआ नहीं हूँ, फिर भी क्यों टर्मिनेट करा है? देखो, कंपनी भी क्या कर सकता बताओ, कंपनी के पास भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये जो जब से शुरू हुआ है, ये जो वार, ये फिलिस्तीन और आपका इसराइल का वार, इसका चक्कर में और ज़्यादा, एक तो लॉकडाउन में खा लिया, तो लॉकडाउन में खाने के बाद फिर भी थोड़ा उभरा था, मतलब थोड़ा फिर भी आगे बढ़ा था। बट जब से ये फिलिस्तीन और इसराइल का वार ना, इसी के चक्कर में स्टारबक्स, अपन के अंडर स्टारबक्स का ब्रांड है और H&M है, पिज्ज़ा हट है, ये सब बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड है। ये सब चीज़ अमेरिकन ब्रांड है, और ये सब अमेरिकन ब्रांड में कोई जाता नहीं खाने, कुवैती स्पेशली, वहाँ बॉयकॉट चल रहा है। और इसी के चक्कर में ना अपना, मतलब जॉब बचना अभी मुश्किल हो रहा है कुवैत में। सो आप लोग जैसे ही सोच रहे हो जहाँ यहाँ पे वीज़ा निकलेगा तो मैं आऊँ, तो गाइस अभी यहीं से आदमी को जॉब नहीं मिलता। अपने रूम पे एक बंदा है जैसे न्यू ड्राइवर का, बट उसको खुद जॉब नहीं मिला, वो खुद जॉब खोज रहा है यहाँ पे, कुवैत आने के बाद भी उसको जॉब नहीं मिल रहा है। क्यों जॉब नहीं मिल रहा है? वही मेन कारण है कि फिलिस्तीन आ रहे, सबका यूथ चल रहा है, और वो सब के यूथ के चक्कर में अपना जॉब नहीं मिल रहा है, अपने को भी जॉब नहीं मिल रहा है। अपना जॉब भी है तो बोले भाई सैलरी कम देगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 300 दे रहा है तो बोले 200 के देगा, तब रुक नहीं तो जा, तो डायरेक्टली बोल देते जा। जिसका जो बंदा ज़्यादा दिन रुका हुआ है और उसको काम करने का मन नहीं है, वो घर पर जाना चाहता है तो चला जाता है, और जिसको यहाँ पर रुकने का वो क्या करे, दूसरे यहाँ पे जॉब देखता है। तो अभी अलसे ऐसे आदमी को निकाल रहा है, अपनी कंपनी से आदमी को निकाल रहा है, तो मैं भी अपन को भी निकाल सकता है, भरोसा नहीं है। क्योंकि कंपनी है, सरकारी नौकरी नहीं है कि कुछ भी हो जाए रखेगा, और सरकारी नौकरी में भी ये है, टेंशन है, बट ये प्राइवेट है, कभी भी भगा सकते हैं। तो गाइस क्या करें, अभी जब तक हूँ कुवैत में तब तक अभी देखता हूँ क्या होता है, फ्यूचर का तो पता नहीं है, हो सकता है अपना भी नाम आ जाए, बट आई थिंक इंशाल्लाह तो आना नहीं चाहिए, और आ भी जाएगा तो कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि टर्मिनेट चल रहा है गाइस। आज ही दो बंदे को साइन करवाया कि आपका टर्मिनेट हो गया, आप ड्यूटी आओ या ना आओ, 3 महीने का या तो नोटिस पीरियड रखेगा या तो डायरेक्टली सैलरी देके घर पे भेज देगा। हाँ, बट एक चीज़ है कि कुवैत आप लोग आने की सोच रहे हो ना, तो गाइस बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है कुवैत अभी, बहुत ज़्यादा है, मतलब जितना आप सोच रहे हो उससे भी ज़्यादा ही मुश्किल है, सब जगह के लिए मुश्किल है। तो आपको कहीं पे भी जॉब मिल रहा है अगर, तो वहीं पे चले जाओ। स्पेशली ये मत देखो कि कुवैत के ही मत देखो, जब कुवैत में आना है मेरे को, दूसरा किसी कंट्री और दुबई सऊदी ये सब नहीं जाना है, ये मत देखो। जो भी जहाँ पे भी जैसे भी कंट्री आपको मिले आप निकल जाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा। सो गाइस बस, और अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, ओके बाय।